अपराधों का सिलसिला लगातार हुआ जारी। गोंडा पुलिस अपराधियों पर नहीं कस पा रही लगाम। मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की, जहां अपराधियों ने धारदार हथियार से युवक की निर्मम हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की कर रही छानबीन। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गोंडा जिले में बढ़ते अपराधों से ग्रामवासियों में दिखा आक्रोश। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि पुलिस नहीं कर पा रही अपराधियों पर शिकंजा। आपको बता दें कि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की कटरा थाना अंतर्गत का बताया जा रहा है, जहां एक युवक को बड़े ही बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दिया गया। युवक की लाश नहर के पास मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या के मुकदमा पंजीबद्ध कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देखिए पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश गोंडा से सतीश वर्मा के साथ। सर, कटरा थाना क्षेत्र में कोई शव मिला है, हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है, क्या है पूरा प्रकरण, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये थाना कटरा बाजार में सुखनपुरवा है, वहाँ के बड़के गोस्वामी जो कि ट्रैक्टर के चालक हैं, ये जो है कल दो लोगों के साथ देखे गए थे और ऐसा अनुमान है कि इन्होंने वहाँ नहर के पास में बियर की कुछ बोतलें पड़ी हुई हैं और शराब के कुछ पाउच वगैरह मिले हुए हैं और सुबह इनका शव मिला हुआ है। इसका अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है थाना कटरा बाजार में। इसमें कुछ लोग जो संदिग्ध हैं उनसे अभी उनको बुला के पूछताछ की जाएगी और इस घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? ये हत्या का अभियोग है, हत्या और साक्ष्य नष्ट।